और एक यहाँ सारे लोग बैठे हैं, भगवे कपड़ों में हैं, और एक ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में है जो भगवा पगड़ी में है। तो राम का जो संदेश है वो देखिए, चंदोक जी से अच्छा संदेश कहाँ दिखेगा। आज वो आए अयोध्या के अंदर, लेकिन देखिए भगवा पगड़ी में आए हैं, कुछ संदेश तो देंगे आज। आज कुछ तो बताएंगे कि वास्तव में राम लला आ रहे हैं, स्वागत की तैयारी करो अयोध्या। ये जो अयोध्या है, आने वाले समय में जिस तरीके से फादर ने बोला कि यहाँ जो जगह बैठने को वर्तमान में दिख रही है, यहाँ हजारों की तादाद में लोग रहेंगे, यहाँ जगह में बैठना भारी हो जाएगा। तो चंदोक साहब, क्योंकि राम आ रहे हैं, रघुनंदन आ रहे हैं, खुशहाली आ रही है, समृद्धि आ रही है, लेकिन साथ में कुछ लोग हैं वो राजनीति को लेकर भी आ रहे हैं। आपने ये बोला कि मैं भगवा पगड़ी पहन के आया हूँ, बिल्कुल भगवा पगड़ी है, लेकिन मेरे गुरु गोविंद सिंह की ये देन है जी, उस गुरु की देन है जिसने इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए अपना परिवार वार दिया। गुरु तेग बहादुर साहब को वार दिया, अपने चार साहबजादों को वार दिया, माता जी को वार दिया। पर हमारी कुर्बानी कहती है मानस की जात सब एक पहचान वो, कि हम सब एक है, कोई नहीं है ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, सब एक जात है, एक धर्म के आदमी हम। उस परमात्मा ने हमें इंसान बना के भेजा है, ये तो हमने बनाया है ना, मैं सिख हूं तुम हिंदू हो तुम मुसलमान हो। जब ये चीज आएगी, आप कहते हो राम लल्ला आ रहे हैं, मैं तो पता राम लल्ला तो यहाँ पे है, जिन्होंने यहाँ पे जन्म लिया वो कहाँ चले गए, वो तो हमारे कण कण में फंसे हुए हैं। लेकिन कुछ लोगों को उसका भी प्रमाण चाहिए, उनको मालूम पड़ चुका है कि ये चीज जो कहते हैं ना, कहते हैं सुनने में बड़ा फर्क होता है, असलियत सब पता सबने है। जिन्होंने बोलना है उन्होंने बोलना है, उनका मुंह काला था काला है काला रहेगा, ये तो सामने प्रमाण है, आप देख सकते हो। जब मैं कल से आया हूँ, लोगों में खुशहाली है, हर तरफ लोग खुश है। मैंने छोटे ढाबे वाले से भी पूछा, पटरी वाले से भी पूछा, ऑटो वाले से पूछा, टैक्सी ड्राइवर से पूछा, कहता जो हमें ये पिछले 4-5 साल में देखने को मिल रहा है, एक सपना हमने भी देखा था कि यह मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा, पर वो सामने बना के दिखा दिया। हम उस सरकार के, उस मोदी जी के धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस सपने को पूरा किया। और हमारे यहाँ के सीएम साहब योगी साहब, उस मोदी साहब ने तो हमारा 75 साल से जो करतारपुर का रास्ता था वो ही खुलवा दिया। हमारे साहबजादों का, छोटे साहबजादों को जिन्होंने भुला दिया था, गुरु गोविंद सिंह के साहबजादे को ने उनका भी वीर बाल दिवस बना दिया। ये चीजें देखने वाली है, जो करना है वो करके दिखाता है आदमी। सुनते तो बहुत थे, बहुत कहा गया हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं। जो सामने चमत्कार हो रहा है उसको देखो, क्या देश में तरक्की हो रही है। ये देश गुरुओं के टाइप, गुरुओं की धरती है, पीरों पैगंबरों की धरती है, ये तो जिंदाबाद धरती थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। कौन कहता है विश्व गुरु नहीं है, ये विश्व गुरु तो आज से कई सदियों से पहले ही है हिंदुस्तान। आज ये कहना कि विश्व गुरु, हम विश्व गुरु थे, हम विश्व गुरु हैं, हम तो विश्व गुरु बने हैं, ये सुनना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, कोई भी हमें रोक नहीं सकता। जिन्होंने रोकना है वो तो बोलते रहेंगे, हमने नहीं जाना मत जाओ, हमें वहां से संदेश नहीं आया। वो भाई गुरु घर में, मंदिर में, मस्जिद में जाने के लिए कोई संदेश नहीं आता, अपनी श्रद्धा से जाते हैं। हम भी आए हैं ना, हमें कोई संदेश आया था कि रामलला ने लेटर भेजी हमें, हम सब आए हैं यहाँ पे खुशियां लेने आए हैं। जो खुशियां लेके जाएगा वो जिंदाबाद रहेगा। जिन्होंने कहना है, जिन्होंने निंदा करनी है वो निंदा करते रहेंगे, जो निंदा करनी है उन्हें निंदा करते वो हमारे गुरु साहब कहे निंदो 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 मोको निंदा मोको प्यारी, जिसने निंदा करनी है वो गांधी खाएगा। अच्छा चंदोक जी, आपने देखा होगा आर्थिकी में आगे जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर जा रहा है, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि भगवान राम के साथ ही है। बिल्कुल ठीक है, अगर भगवान राम का जन्म हुआ है तो यहाँ गुरु नानक देव जी भी आए हैं, बिल्कुल गुरु नानक देव का गुरुद्वारा भी है यहाँ पे, तो गुरु नानक तो सबके साझे थे, उन्होंने कोई नहीं किया था, उनके साथ एक हिंदू था एक मुसलमान था, जो उनके दोनों साथी साथी थे मर्दाना और बाला। तो गुरु नानक का संदेश तो यह है, मानस की जात सब एक के पहचान, सबको साथ लेके चलो।
आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो गुरु नानक के सबको लेके चले, राम भी तो यही चाहते थे। तो राम जी तो भाई है जी, कण कण पे बसे हुए राम तो, कण कण मेरे, मेरे मेरे दिल में भी है, इनके दिल में भी है, इनके दिल में भी है। देखिए सबके दिल में राम है, सबके दिल में राम है, और तभी तो जो कहा गया है